है तो दिखेगा। खदान में फंसे कर्मियों का जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। विधायक सीता सोरेन और मथुरा महतो ने प्रबंधन से ली पूरे मामले की जानकारी। कहा सरकार हर सहयोग को तैयार। इलाज के नाम पर टकसाल बना धनबाद का अशरफी अस्पताल। लगातार दो दिन में दो मरीजों की मौत। कई सवालों को दे रहा जवाब। सबको सुलभ न्याय के उद्देश्य के साथ धनबाद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन। 7000 मुकदमों के निष्पादन का लक्ष्य। ई समाधान का लोगों को मिल रहा है लाभ। उपायुक्त ने कहा योजना ने जीता लोगों का विश्वास। शिकायत पत्र के साथ जरूरी कागजातों को संलग्न करने की अपील। और कोहरे की सफेद चादर ने रेल के पहियों को शुरू किया जकड़ना। धनबाद रेल डिवीजन से गुजरने वाली दो ट्रेन इस कोहरे के कारण रद्द। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। बात करते हैं धनबाद की खबरों में। सबसे पहले निरसा की खबर से, जहां आईसीएल मुगमा में कोलियरी में पिछले 6 दिनों से 2 कोलकर्मी खदान के पानी में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू की कोशिशें चल रही हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। गोताखोरों के बाद अब मोटर पंप की मदद भी ली जा रही है। टुंडी विधायक मथुरा महतो ने खदान पहुंचकर प्रबंधन से मामले की पूरी जानकारी ली और कहा कि रेस्क्यू में सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। से जो हम लोगों ने लिया जाएगा कि सबसे पहले मजदूर को निकालिए। मजदूर निकलने के बाद ही इस पर जांच की है। जो भी दोषी पदाधिकारी चाहे जो भी इस पर गलत तरीके से जो खनन हुआ है उस पर जो है कार्रवाई की जाए। निरसा में खदान में पानी भर जाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए झारखंड की जामा विधानसभा से विधायक सीता सोरेन भी देर शाम खुदिया कोलियरी पहुंची और परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली। सीता सोरेन ने प्रबंधन से पूरे मामले की जानकारी ली और तत्काल हर संभव प्रयास करते हुए बचाव कार्य जारी रखकर खदान के अंदर फंसे दोनों कर्मियों को बाहर निकालने की बात कही। जिस पर प्रबंधन ने कहा कि खदान के अंदर जल स्तर कम करने का काम लगातार जारी है और अगले 24 घंटे में उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूर अंदर में फंस के रह गए। 6 दिन हो गया आज का दिन तक और अभी तक वहाँ से अंदर से निकाला नहीं। इसके संबंध में हम डीसी से भी बात किए। डीसी जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से निकाला जाए। पंपिंग सेट वगैरह लगा दिया गया है कि पानी वहाँ से निकाला गया, लेकिन दो लोग अभी तक मिल नहीं रहे। गोताखोर को भी बुलाया गया। पूरा प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन, लेकिन अभी तक उनका कोई आता पता नहीं है। ईसीएल की तरफ से ढिलाई किया गया है। जब पानी था अंदर में तो घुसने नहीं देना चाहिए। ये जांच का विषय है। ईसीएल पूरा मनमानी ढंग से काम। धनबाद का अशरफी अस्पताल इन दिनों सवालों के घेरे में है। लगातार 2 दिन से जो यहाँ हो रहा है वो कई सवालों को जन्म भी दे रहा है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं यहाँ का सच। कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचाना। नर्स इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा जाइए। और पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको, डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मर चुका है। He's already dead, doctor. लेकिन उनको थोड़ी ही मालूम। जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो। हालत बहुत खराब है। ये दवाइयां और इंजेक्शन है, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक, फार्मेसी का राइट में। नर्स, गेट मी ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बनाना। बलराम नागपाल। ठीक है।
इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है? मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे। ये ले, ठीक से लिखना, कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किक-किक करता है। धनबाद का सरफी अस्पताल पिछले दो दिनों से काफी चर्चा में। दरअसल अस्पताल में अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म गब्बर इज बैक की फिल्मी कहानी सत्य साबित होती दिख रही है, जिससे यह अस्पताल अचानक काफी चर्चा में आ गया है। जिला प्रशासन ने भी इस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए एक जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। दरअसल पिछले दो दिनों के भीतर इस अस्पताल में दो मौतें हुई और हर मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने मोटी रकम वसूलने के लिए उनके मृत रिश्तेदार का इलाज करने का बहाना किया। क्या दीदी का ब्रेन हेमरेज हो गया? हमने डॉक्टर साहब राजेश कुमार से पूछा कि सर हमें करना क्या होगा, तो राजेश कुमार बोले कि आपका दीदी का आपका जो भी है आपको इलाज कराना होगा, केस क्रिटिकल है। तो हमने सर इसमें क्या उम्मीद है? बोला 90% रिकवरी हो जाता है। हमने बोले सर ठीक है। काउंटर में घुसते के साथ भैया पहले 30,000 जमा करा लिए, 30,000 जमा करा दिए, 30,000 सर हमने जमा करा दिए उनको, 30,000 वो ले लिए तुरंत हमसे। फिर उसके बाद हम कल भी पूछे सर मेरा दीदी का क्या मूवमेंट है, बोले आप प्लाज्मा लाइए, पीएमसी से प्लाज्मा लाए, पॉजिटिव ग्रुप ब्लड लाए, अभी मेरे पास ब्लड का सबका कागज में। कल भी बोले कि आपका दीदी बढ़िया है और अच्छा है। चलो ठीक है सर, हम दूसरा दिन आज बोले कि सर मेरा दीदी को क्या करना होगा, तो बोले आप ले जा सकते हैं। जैसे लाए सर ये अपना नर्स इनका क्या की वहाँ पर, पहले ही पंपिंग क्या की और ऑक्सीजन देखे, हम वही बोले कि मेरा दीदी के साथ सर शरीर वही ठंडा हो गया, कि बोले नहीं गर्म है, एक इंजेक्शन देता है ये लोग गर्म हो जाता है बॉडी उससे। अभी भी देखिए जो दो दिन सर ये दिखा रहा था वेंटिलेटर पे, दिखा अभी भी सर वेंटिलेटर पे अभी भी दिखा रहा है कि मेरा दीदी का सांस चल रहा है। पहला मामला 11 दिसंबर यानी शुक्रवार को देखने को मिला, जिसमें परिजनों ने घटना के संबंध में बताया कि 9 दिसंबर को धनबाद के कांडरा निवासी बिंदु देवी, जो पहले से बीमार चल रही थी, वो सुबह उठी ही नहीं, तो परिजनों ने उसे तत्काल असरफी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को ब्रेन हेमरेज हो गया। प्लीज कम चीफ, देखो भाई इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है, आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2,00,000 रुपए। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके, नर्स डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। इसके बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि ऐसे मामले में ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, पर सही इलाज करना होगा, जिसके बाद परिजन उसके इलाज के लिए तैयार हो। मरीज को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां उसकी सांसें चलती हुई दिखाई गई। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के इलाज के नाम पर परिजनों से मोटी रकम वसूल की। 1,35,000 सर। और कितना डिमांड किए थे? डिमांड नहीं सर, हम लोग तो लेकर निकल रहे थे सर रांची के लिए, हम यहीं से गाड़ी में बैठे थे, हम बोले मेरी दीदी का पास नहीं चल रहा, किलो मधुमक्खी हो गया, किलो पकड़ लिया सर, चिल्लाते रहेगा, गुहार लगाते रहे, आइए कोई नहीं आया। 11 बजे कंटिन्यूस देखिए रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कहाँ के कागज, 11 बजे रिलीज कर दिए हैं, 11 बजे 12 दिन पर मैं ECG के बोला आपका दीदी नहीं रही। इसके बाद अचानक शुक्रवार यानी कि आज अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि आपका मरीज ठीक है, आप मरीज को घर ले जा सकते हैं। मरीज को एक इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसका शरीर गर्म महसूस होने लगा, लेकिन जैसे ही उसे वेंटिलेटर से हटाकर उन्होंने गाड़ी पर रखा, मरीज ने सांस लेनी ही बंद कर दी। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन, ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर जब बकरा खुद हलाल होने आया तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी, इससे पहले देर हो जाए ड्रामा शुरू कर दो। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत मरीज को मृत घोषित कर उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर शव को ले जाने को कहा। इसके बाद जब परिजनों ने एम्बुलेंस में रखकर मरीज को वेंटिलेटर लगाया, तो मरीज फिर से सांस लेता हुआ दिखने लगा और फिर परिजनों ने हंगामा कर दिया। टिकट घोषित कर दिया, देखिए अभी पास चल रहा है, हल्ला करते रहे सर, मेरे इसके बाद क्या करना होगा, आपको जो करना करिए, मतलब मान लीजिए जो ताकत पूरा हॉस्पिटल रहेगा उसको कुछ ना, गरीब के लिए सच नहीं गुवार होगा। मामले की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, पुलिस ने किसी तरीके से परिजनों को शांत करवाया और अब मामले की जांच में भी जुट गई है। डेथ के कारण उसके परिवार के लोग आक्रोशित, अस्पताल प्रबंधक के विरुद्ध जिनके द्वारा लिख करके आवेदन दिया गया है, अस्पताल प्रबंधक के विरुद्ध विधिक सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इसके दूसरे ही दिन यानी आज ठीक ऐसा ही एक और मामला सामने आया। दरअसल एक परिवार अस्पताल प्रबंधन पर पैसों के लिए उसके मर चुके परिजन का झूठा इलाज करने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगा। तो आज 3 तारीख को हमने जब यहाँ किया, तो बताया जा रहा था कि तो हमने देखा, हमने बात भी किया था, तो देखे कि रिकवरी हो रहा है। उसके बाद 2 दिन के बाद से हम लोग तो फिर मिलने नहीं देने लगे,
डॉक्टर अंदर नहीं जा सकते। पहले डेथ हो चुका था, उसके बाद बोल रहा था ठीक है। दवा दीजिए, ये दीजिए, तो ये भी नहीं चल रहा, तो ये फेल हो रहा, तो ये हो रहा, ले लो, खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या इलाज का। वहीं धनबाद के असरफी अस्पताल से लगातार इस तरह के मामले सामने आते देख उपायुक्त ने भी मामले में संज्ञान लिया है और जांच की बात कही। नियम से बाहर कोई नहीं है, तो अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। और आपको शायद पता होगा कि इसमें चक्रवर्ती नर्सिंग होम का भी एक इश्यू आया था, जिसमें कि एडी गवर्नर ने जांच किया और उसके आरोप हमने सिविल सर्जन से सो कॉल पूछा हुआ है। तो आम हो, खास हो, निजी हो, सरकारी हो, मतलब नहीं है। अगर आपने नियम विरुद्ध काम किया है तो कड़ी कार्रवाई होगी। असरफी का ये मैटर मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से आया है। मैंने सिविल सर्जन को बोला है कि एक रिपोर्ट हमारे पास प्रस्तुत करें कि किस परिस्थिति में हुआ है, फिर उसके बाद यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल कोई खुशी से नहीं जाता, अस्पताल मजबूरी है, अस्पताल सिर्फ व्यवसाय नहीं है, अस्पताल एक सेवा है। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो इस सेवा भावना पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे ये दर्जा न छीनिए। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल ब्लॉक 4 कोलियरी मजदूरों की समस्याओं से रूबरू हुए। मौके पर उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि बागमारा को अशांत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता भी जवाब देने के लिए तैयार है। कोई भी हो, इसके लिए पीछे कभी नहीं हटने जा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो पूरे धनबाद में माफिया द्वारा जो कोलेरी में शोषण आज तक किया जा रहा है, झरिया, निरसा, धनबाद, जहां पे भी कोलेरी चल रहा है वहां का स्थिति देखिए, जाके वहां का लोडिंग देखिए, यहां से आधा पैसा मिलता है वहां पे। हम मजदूर वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, हम उसी स्तर से उठे हुए आदमी हैं, इसलिए हम उनका भावना, उनका दर्द, मजदूरों का दर्द समझ सकते हैं। इसलिए हमने ये विश्वास के तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे धनबाद में सबसे ज्यादा अगर मजदूर को मजदूरी अगर मिलता है तो बागमारा विधानसभा क्षेत्र। इधर बागमारा के बीसीसीएल एरिया 1 के अंतर्गत संचालित मुराईडी माइंस आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर महागठबंधन द्वारा जारी धरना के बीच आज मुराईडी परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में बागमारा बीटीओ सुनील कुमार भी मौजूद रहे, लेकिन लंबी बातचीत के बाद भी ये बैठक बेनतीजा रही। ये अपने रखे हुए हैं, इनका कहना है कि जो आप यदि पिछले बैठक के अनुसार जिन व्यक्तियों को आपने रखा है वो अगर यदि हमारे व्यक्ति अगर फुलफिल करते हैं तो पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए स्थानीय लोगों को, क्योंकि स्थानीय लोग सबसे ज़्यादा माइंस अगर चलता है तो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन या पॉल्यूटेड प्रभावित होते हैं। कोरोना महामारी के दौरान इसके प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली या जनता दरबार पर रोक लगाए जाने के बाद लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, और इसी को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ई समाधान के माध्यम से धनबाद जिला प्रशासन ने यह सकारात्मक पहल की है, और इसके तहत लोगों की विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए समाधान योजना के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाया जा रहा है। नवंबर 2020 से आरंभ हुए इस योजना के तहत पहले ही माह में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 733 शिकायत पत्र मिले, जिसमें से 450 लोगों ने सीधे अपनी शिकायतों का निबंधन कराया, जबकि जन शिकायत कोषांग के माध्यम से 283 शिकायत मिले। डीसी की देखरेख में बनी नोडल टीम की पहल पर कुल 376 शिकायत पत्रों का निष्पादन कर दिया गया, जबकि दस्तावेजों के अभाव में 102 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। इस संदर्भ में समाहरणालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। अब तक उस प्रतिवेदी दिन में जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। मान लीजिए 25 शिकायतें हुई, किससे रिलेटेड क्या किस टाइप की शिकायतें थी, संक्षिप्त विवरणी आपको मिल जाएगी। ये बहुत जेन्युइन सामने स्क्रीन पे भी आप देखिएगा, डिटेल इनको पता चल जाएगा। यदि सीओ ने मान लीजिए कि कुछ उल्टा पुल्टा लिखकर हमें, गरीब आदमी जो कम पढ़े लिखे हैं उनके नाम पे कोई मिडिल मैन है जो इस समाधान में एक ही नाम से 20 एप्लीकेशन दे रहा है, उनसे पैसे की ठगी कर रहा है, तो हम लोगों ने इसमें ये डाल दिया है जो अगले 24 घंटे के अंदर ये लाइव हो जाएगा।
शिकायतों के निष्पादन में जिन विभागों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है उन्हें 29 दिसंबर को सरकार के एक साल पूरे होने पर सम्मान मिलेगा। ये एक अच्छी कोशिश है, इस कोशिश की सराहना होनी चाहिए क्योंकि शिकायतें अगर हैं तो उन शिकायतों का निपटारा तो होना ही चाहिए। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल के साथ कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन और जिला और सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने ऑनलाइन लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य त्वरित न्याय दिलवाना है। 7,000 मुकदमों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पहली नेशनल ऑनलाइन लोक अदालत में कम से कम 4,000 केसेस प्री लिटिगेशन एंड पोस्ट लिटिगेशन पेंडिंग बोथ मिला करके हमारा टारगेट है कि कम से कम 4,000 केसेस हो। यद्यपि हम लोगों को सूचना निर्देश देर में प्राप्त हुआ था, फिर भी हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके बाहर और हम लोग सभी ऑफिसर्स मिलके इसमें काफी कुछ किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। गुप्त सूचना के आधार पर कालूबथान थाना के प्रभारी प्रदीप राणा के नेतृत्व में जुआ खेल रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काली मंदिर के पीछे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे आसपास के ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से 15,540 नकद सहित ताश की गड्डियां और 2 बाइक जब्त की गई। बागमारा में पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर महोदा पुलिस ने धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान में चार पहिया वाहन, मोटरसाइकिल सवारों के मास्क, हेलमेट और डिक्की की जांच की गई। इसके अलावा वाहन के जरूरी कागजात की भी जांच की गई। चासनाला सेल के 2 अधिकारी के संबंध चोरों से होने का मामले का पर्दाफाश हुआ। इन पर चोरों के साथ साठगांठ कर भारी मात्रा में लोहा, मोटर, डीजल चोरी कराने का आरोप है। चोर ने सेल के 2 अधिकारी, सिक्योरिटी इंचार्ज और सुपरवाइजर की संलिप्तता की बात स्वीकारी है। सिक्योरिटी गार्ड ने चोर को पाथरी थाने पुलिस के हवाले कर दिया। कोरोना वैक्सीन आने की तारीख अब तक भले ही घोषित नहीं की गई है, लेकिन वैक्सीन के वितरण और इसके रखरखाव को लेकर धनबाद जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रांची मुख्यालय के निर्देश पर वैक्सीन उपलब्ध कराने के पहले उसके वितरण की व्यवस्था दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यालय के निर्देश पर धनबाद में भी कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी हो रही है। वैक्सीन के लिए अलग से कोल्ड चेन मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। अब तक जितने अलग अलग टीकाकरण में प्रयोग आने वाले टीके हैं, उससे इस वैक्सीन को बिल्कुल अलग रखा जाएगा। धनबाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए कोल्ड चेन मेंटेनेंस के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मुख्यालय के निर्देश का पालन किया जा रहा है, साथ ही तमाम व्यवस्थाएं ऑनलाइन रहेंगी। कहीं पर भी वैक्सीन की कमी होने पर मुख्यालय को स्वतः इसकी जानकारी मिल जाएगी, ताकि हमारा वैक्सीन हमारे जिला से जाए, उसके बाद वहाँ पे बाकी जो भी संसाधन है वो तुरंत उपलब्ध हो जाए। और इसमें हम लोग डेली प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द, और मैक्सिमम तैयारी हो भी चुकी है। इसमें जो भी हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे वो गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट से भी हमारा ऑलमोस्ट सारा का सारा डिटेल मिल गया है, जितना भी मैन पावर। तो सरकार की इच्छा है कि पहले जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनको हम लोग पहले वैक्सीनेट करें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सामान्य टीकाकरण में प्रयुक्त होने वाली दवाओं को एक नियत तापमान पर रखा जाता है। नियत तापमान में रखे जाने के कारण उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। ऐसे में स्टोर को इस तरह से तैयार किया गया है कि यदि वैक्सीन के जरूरत के अनुसार स्टोर के तापमान में जरा भी कमी या वृद्धि होती है तो यहां लगा अलार्म खुद बज उठेगा, ताकि समय रहते उस तापमान को जरूरत के अनुसार सामान्य किया जा सके। स्टोर से लेकर आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र तक कोरोना के वैक्सीन को पहुंचाने के लिए अलग से आइस पैक बॉक्स की भी व्यवस्था की जा रही है।
अभी तक जो वैक्सीन आया है उसको 2 से 8 डिग्री -2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग वैक्सीन है। अच्छा, और वो जो आने वाला वैक्सीन है कोविड वैक्सीन, वो कितना टेम्परेचर पर रहेगा वो बाद में पता चलेगा। अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग जो है ILR है और डीप फ्रीजर है, डीप फ्रीजर में आइस पैक को जमाते हैं बाहर भेजने के लिए। उपायुक्त ने बताया कि कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए धनबाद भी पूरी तरह से तैयार है, साथ ही लोगों को मिलने में सहूलियत हो इसके लिए प्रत्येक किलोमीटर पर केंद्र बनाने का निर्णय भी लिया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। निरसा के चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड 21 सुंदर नगर में लगभग 2,61,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले मल अवशिष्ट निराकरण उद्योग का शिलान्यास डब्ल्यू बावरी सहित अन्य लोगों ने किया। इस प्रोजेक्ट का निर्माण और संचालन टाई टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर द्वारा किया जा रहा है। 10 महीने का वक्त निर्माण के लिए निर्धारित है। निर्माण के बाद 1 महीने ट्रायल होगा और उसके बाद 6 साल तक इसका संचालन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 12 मीटर क्यूब क्षमता का होगा और यहां मल प्रोसेसिंग कर जैविक खाद बनाया जाएगा। धनबाद मैथन जलापूर्ति योजना का पाइप गोपालगंज जगन्नाथ मंदिर के पास फट जाने से लाखों गैलन पानी बह गया। इससे सड़क और खेत में पानी भर गया, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गई। इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने विद्युत आपूर्ति बंद करवाई, लेकिन जलापूर्ति विभाग की ओर से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। पिछले 3 दिनों से कोयलांचल के तापमान में काफी तेजी से गिरावट आ रही है। कोहरे के कारण ठंड ने भी प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है और इस कारण आम लोगों के साथ लाचार मजदूरों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। दूर दूर से मिट्टी कटाई के काम में जुटे मजदूरों की रात खुले आसमान के नीचे कटती है। धनबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर का नजारा, यहाँ दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद धनबाद के टुंडी मनिया डी के दर्जनों मजदूर कॉलेज परिसर के पोर्टिको और अलग पड़े एक हॉल को अपना आश्रय बनाते हुए बेसुध पड़े हुए हैं। न्यूज 11 भारत की टीम लगभग 9 बजे जब वहां पहुंची तो दर्जनों नींद में थे और इक्का दुक्का सोने की तैयारी में थे। सभी अपने साथ लिए चादर में खुद को लपेटे ठंड को मात देने के प्रयास में लगे हुए थे। हालांकि कई लोगों पर ठंड ने अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया है और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया है। मनियाडी का एक मजदूर निर्लाल मुंडा तो सर्दी जुकाम की चपेट में भी आ गया, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। 25 साल से यही आके। हाँ, कहाँ के आप लोग हैं यहाँ पे? हेलो, टुंडी मनियाडी से। कितना लोग हैं जो यहाँ पे पॉलिटेक्निक कैंपस में सो रहे हैं रात में? 60-70 आदमी है। तो सरकार से कुछ सुविधा यहाँ पे नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं मिलता है। कैसे रात कटता है? ठंड जब तो शुरू हो गया ऐसे वैसे ना, लोग का चादर उधर ओढ़ के चिथर उथर ओढ़ के ऐसे ही गुजारा होता है ठंड में यहाँ पे। इस तरह आप फितूर कर रह रहे हैं बिना कुछ ओढ़े हुए? क्या करेगा, पैसा वैसा नहीं है तो कमा करके ले जाते हैं। यह है शहर के जिला स्कूल का नजारा। यहाँ धनबाद के टुंडी क्षेत्र के अलावा गिरिडीह जामताड़ा के कामगारों ने रात में स्कूल के बरामदे को अपना आश्रय बना रखा है। सालों साल से यहाँ दिन में मजदूरी करने का काम करने वाले इन मजदूरों ने इन स्थानों को अपना रात का डेरा बना रखा है। यही नहीं, शहर के बीचों बीच रहने के बावजूद अभी तक ये मजदूर खुले में शौच जाने को विवश है। सरकार और जिला प्रशासन से इन मजदूरों को अब तक किसी तरह की कोई सुविधा भी नहीं मिली है, लेकिन सर्दी शुरू होने के साथ ही इनकी मुश्किलों में इजाफा होने लगा है। उन्हें बस एक कंबल और कहीं ऐसे ठिकाने की जरूरत है जहां वे सुरक्षित रात बिता सके। बैठे हुए हैं, अगर ये कंबल उमल अगर वितरण होता था हम ठंडा बच जाते ठंडा में। बस वही, और क्या करना कि वही बोल लेंगे और ज्यादा। कितने आप लोग मजदूर होंगे यहाँ पे? मजदूर हम लोग होंगे कम से कम 70-80 को। बढ़ते आगे, कोहरे के सफेद चादर ने रेलगाड़ी के लोहे के पहियों को जकड़ना शुरू कर दिया है। खासतौर पर उत्तर भारत की ट्रेन
कोहरे से बुरी तरह प्रभावित होने लगी है। रेलवे के वीआईपी ट्रेनों के पहिए भी सरपट दौड़ने की बजाय रेंग रहे हैं। कई ट्रेन घंटों लेट चल रही हैं। वहीं धनबाद रेल डिवीजन से गुजरने वाली दो ट्रेनें इस कोहरे के कारण रद्द कर दी गई। धनबाद से फिरोजपुर जाने वाली अब गंगा सतलज एक्सप्रेस कोहरे के कारण 17 दिसंबर से 28 जनवरी तक हर गुरुवार को रद्द रहेगी। रेल अधिकारियों ने बताया कि अब सियालदह अजमेर एक्सप्रेस 17 दिसंबर से 1 फरवरी तक रद्द रहेगी। वापसी में डाउन गंगा सतलज एक्सप्रेस 19 दिसंबर से 30 जनवरी तक हर शनिवार को रद्द रहेगी। कई ट्रेनों के फेरे भी कम किए गए हैं। अगर फरवरी में भी कोहरा छाया रहा तो ट्रेनें फिर रद्द हो जाएंगी। फेरों में कटौती भी की जा सकती है। 02987/0288 को कैंसिल किया गया है और 03307/0038 जो डाउन में आती है उसको सप्ताह में एक दिन कैंसिल किया गया है। तो ये कौन ट्रेन है, ट्रेन का नाम भी बता दें। ये ट्रेन नंबर है आपका सियालदह अजमेर शरीफ है 02987 जो अप में जाती है, 02988 जो डाउन में बन के आती है वहाँ से। ये आपको 17/12/2020 से 31 धनबाद जिले में आज एंटी क्राइम को लेकर सघन वाहन जांच चेकिंग अभियान चलाया गया। खुद एसपी इसकी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। कई इलाकों पर डीएसपी ट्रैफिक राजेश यादव और पुलिस कर्मियों के साथ चारपहिया वाहनों की जांच की। धनबाद श्रमिक चौक के पास सिटी एसपी आर रामकुमार और ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार यादव ने फोर व्हीलर वाहन जांच और मोटरसाइकिल वाहन जांच के लिए ये खुद रोड पर उतरे। हराने जाने वाले फोर व्हीलर वाहन को रोककर सीट बेल्ट डिक्की की जांच की गई और त्रुटि पाए जाने पर उन्हें जुर्माना भी तत्काल वसूला जा रहा है। पूरा धनबाद में सारे थानों का लेके जा रहे हैं। 5 to 9 बजे एंटी क्राइम चेकिंग सब लोग इसके साथ ही धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए कोयलांचल की खबरें शारिफ के साथ।